हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनूप सिंह और आप देख रहे हैं सीएनसी टेक स्किल चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है पावर चक, जो हम सीएनसी में लगाते हैं। इसका मान लीजिए ये इंटरनल वर्किंग कैसा होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, और इसको अगर हम खोल देते हैं तो असेंबल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में तो आज आपको मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन चीज़ क्या होती है और किसको किस तरह असेंबल किया जाता है, किस तरह ओपन किया जाता है और इसका क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे और ये सीएनसी मशीन पे वर्क कैसे करता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, मैं इससे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के नाम बता दूं कि कौन सा क्या पार्ट्स है। तो देखिए, ये कुछ पार्ट्स के नाम है। देखिए यहाँ से है, ये हमारा ये चक एडप्टर है, यानी इसको फ्लेंच प्लेट बोलते हैं, और ये हमारा ड्रॉ नॉट होता है जिसमें हम की के सहारे ड्रॉ बार को खोलते हैं। ये जो स्लॉट बना है आपको मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा इसमें कि ये कैसे खुलता है, जो कि हमारा यहाँ पर लगा हुआ है ये रेड कलर में जो दिख रहा है, इसको मैं सबको खोल कर दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, उसके बाद ये हमारा होता है फ्लेंच नट, मतलब इसको लॉक करने के लिए ये इसको यूज किया जाता है, और ये होता है वेज प्लंजर होता है, जो कि हमारा ये मास्टर जॉज होता है, इसी में फिटमेंट होता है, इसी के ऊपर ये सारे मूवमेंट होते हैं। जो भी क्लैम्प डिक्लैम्प होता है उसमें क्या होता है कि ये जो प्लंजर में ये हमारा जो मास्टर जॉज है ये वाले इसमें इन करते हैं, और ये जैसे आगे पीछे मूव करता है, ये सब आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये मूव करता है, क्या होता है। देखिए, इसको जैसे हम खोलते हैं तो इसमें ये लॉकिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारा देखिए ये बॉल होता है, स्प्रिंग होता है, ये सेट स्क्रू होता है, जो कि गर्व स्क्रू जिसे कहते हैं, वो चीज़ होता है। तो इसके अंदर एक जगह होल होता है जिससे इसको लॉक किया रहता है कि बाहर निकले ना, ये कुछ एरिया तक मूवमेंट करता रहता है, या क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें ना हो, ऐसे तो होता नहीं है, बट इसको लॉकिंग के सिस्टम लगा दी जाती है। उसके बाद आ जाइए, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है जो कि पावर चक्का है। चक भी कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, बट अभी ये देखिए ये पावर चक्का है, जो कि हमारे सीएनसी लेथ में यानी सीएनसी टर्निंग में यूज किया जाता है इसको। तो इसमें देखिए ये बॉडी हो गया, और ये होता है कवर प्लेट। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि जो सामने से जो भी चिप्स होता है ये चक के अंदर इन ना हो, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारे बोल्ट हो गए, ये हमारे मास्टर जॉज हो गए, और इसके बाद ये होता है जॉज, ये मास्टर जॉज होता है जो कि हमारे चक के अंदर फिट हो, ये हमारा एक्सटर्नल होता है, ये हम बार बार खोल के इसे मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरे पार्ट चलाना है तो दूसरे के लिए हम जो दूसरा सेट कर सकते हैं, या इसको काट सकते हैं, या ये, बट ये क्या होता है, ये हमारा सब में कॉमन होता है, और ये इसी को मास्टर जॉज कहते हैं। और ये हमारा ग्रेसिंग निपल होता है, जो कि इसके सहारे हम ग्रेसिंग करते हैं चक में, जो कि हमारा जॉज होता है ग्रेसिंग हो जाता है। ये टी नट होता है, टी नट के सहारे इसको जॉज को हम कनेक्ट करते हैं। तो आपको अप्रोक्स सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और चलिए थोड़ा सा इसका वर्किंग बता दूं कि काम कैसे करता है सीएनसी में। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये चक है, इसको काट दिया गया, मैं बीच से काट के इसलिए दिखाया गया कि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए इसमें, चलिए ठीक है, देखिए ये चक है, पावर चक है, और ये होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो कि हमारे सीएनसी में वो पीछे की तरफ मिल जाएगा देखने को। तो ये होता है हाइड्रोलिक सिलेंडर, जो कि इसी के अकॉर्डिंग ये होता है ड्रॉ बार, ये ड्रॉ बार होता है जो कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर और चक से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसमें हाइड्रोलिक्स इन होता है तो ये आगे अप डाउन करता है, हाइड्रोलिक्स के डबल कनेक्शन होता है, एक ही क्लैंप होता है, एक डी क्लैंप होता है, ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है, तो ये होता है चेकिंग, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जिसको चेकिंग सिलेंडर भी बोलते हैं, और ये इसमें पाइप लगे होते हैं। आप पीछे जब उसको दरवाजा सीएनसी खोल के देखिएगा तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। तो ये इसका वर्किंग इसी के ऊपर होता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमको क्लैंप से डी क्लैंप में चलाना होता है, मान लीजिए हम क्लैंप करते हैं उस समय हमारा
चक्का डी क्लैंप होने लगता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लैंप वाला पाइप होता है वो डी क्लैंप लगा देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, क्लैंप वाला डी क्लैंप हो जाता है, डी क्लैंप वाला क्लैंप हो जाता है, या हमारा एम कोड भी होता है जो कि हम डालकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो मैनुअल था, इसलिए मैं इसको बताया तो आपको इसलिए बता दिया कि ये चेकिंग सिलेंडर होता है, इसी के ऊपर सारी स्टॉक होती है, कितना फास्ट हमारा आ रहा जा रहा। तो ये हो गया। चलिए मैं आपको अब चेक दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने चेक को डिजाइन किया है। ठीक है, ये हमारा बॉडी है, इसमें ये हमारा ड्रॉ बार है, और मैं एक एक हाइड करके दिखाऊंगा कैसे असेंबल हुआ है। देखिए मैं बॉडी को अभी हाइड करूंगा। जैसे बॉडी हमारा निकलेगा उसमें क्या था, ये हमारा जो वेज प्लंजर था वो ये था कि जो देखिए ये सारा मास्टर जॉर्ज से ये हमारा कनेक्ट है, ये हमारा मास्टर जॉर्ज से कनेक्ट है। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इसको खींचेगा वैसे ये आगे पीछे होगा, हमारा मास्टर जॉर्ज तो फिक्स रहता है, इसमें एंगल होता है। ठीक है, एंगल होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, इसको भी हाइड कर दूंगा। देखिए ये क्या है कि ये देखिए ये एंगल में, यहाँ पे ये एंगल में होता है, एंगल में यहाँ होता है, जो कि ये क्या होता है कि पीछे जाता है, तो ये क्या होता है कि पीछे जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, आगे आएगा तो ये पीछे हटता है, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। ये सारे में तीनों जोज में हमें एंगल मिलेगा देखने को। और इसके बाद आपको ये होता है जो कि ड्रॉवर नट होता है, जो कि हमें ड्रॉवर से हमको पीछे चेकिंग सिलेंडर में टाइट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद आपको ये हमारा ये जो ड्रॉवर नट होता है उसको ये लॉक करने के लिए होता है, और ये हमारा कवर होता है वो, जो कि चिप्स इधर से इसके अंदर मतलब चक के अंदर इंटरनल पार्ट्स में कहीं एंट्री ना हो, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ये हमारा कवर है, देखिए जो हटा दिए। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे हम सीएनसी में जब लोड करते हैं तो ये हमको जो आगे कवर होता है इसको खोलना पड़ता है, जब खुल जाएगा उसके बाद क्या होता है कि ये ड्रॉ बार सही लगाइए, या पहले ड्रॉ बार लगा दीजिए इसमें, जो कि हमारा ये सेट है, इसमें या तो पहले से ड्रॉ बार टाइट होता है और यहाँ तक तो ड्रॉ बार आया रहता है, नहीं तो क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसमें टाइट करें, अंदर ड्रॉ बार को टाइट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम पहले ड्रॉ बार को टाइट कर दिए, उसके बाद चक को लगाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि ड्रॉ बार को ले जाएंगे मशीन में लगाएंगे, और यहाँ पे इसका की बना होता है, देखिए जो आपको मैं बात कर रहा था की, वो की चाबी होती है, इस चाबी को इसमें इसे कनेक्ट करके और ड्रॉ बार को ऐसे यहाँ पे जब घुमाइएगा तो ऑटोमेटिक ही टाइट होता चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा फ्रेंच प्लेट लगेगा, फ्रेंच प्लेट हम स्पिंडल पर लगा लेंगे, उसके बाद इस चक्के को उस पर लगाएंगे। ठीक है, और ये 6 वोल्ट से हमारा फ्रेंच प्लेट टाइट हो जाएगा और ये हमारा चक्का लोड हो जाएगा। अगर चक्का को मेरे को खोलना है तब कैसे खोलेंगे, तो मान लीजिए चक्का खोलना है तो इसमें करना क्या है, पहले तो आप ये आगे के जो कवर है इसको हम खोल देंगे, खोलने के बाद हम क्या करेंगे, चक्के को उल्टा करेंगे, जैसे हम उल्टा करेंगे इसमें क्या होगा कि हमें ये 6 बोल्ट खोलने होंगे, 6 बोल्ट इसमें लगे होते हैं, जो कि हमें ये ड्रॉ बार नट है इसको लॉक करते हैं, जो कि वेज प्लंजर है इससे, और ये प्लेट कनेक्ट होती है, ये वाली जो प्लेट है ये कनेक्ट होती है, जैसे आपको मैं अभी दिखाऊं। देखिए जैसे ये हमारा रेड वाला था, ये हमारा क्या था,
ये हमारे ड्रॉवर नट था, जो कि देखिए ड्रॉवर ये थ्रेड से ये टाइट है, उसके आगे इसको रोकने के लिए ये प्लेट दी गई थी, और वो प्लेट हमारा डायरेक्ट इससे कनेक्ट होता है, जैसे ये हमारा होल है ना, इस होल से इसमें ये टाइट होता है, जिससे क्या होता है कि ये इसके साथ सब मिल के अटैच हो जाता है, मतलब ये खींचता है तो इसको रोकता है पीछे जाने से, आगे जाता है तो फिर इस पे लोड आती है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चक मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। और इसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए जब खोलना होगा तो ये 6 बोल्ट खोल के ये प्लेट बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के बाद फिर हमारा ये जो रेड वाला है, ये जो ड्रॉवर नट है, ये भी इसके साथ बाहर निकलेगा। उसके बाद ये जो हमारा बेज फ्लेंज है, ये क्या होगा कि इसमें इसकी एक इंटरलॉक होती है, एक आप देखिएगा यहाँ बीच से इंटरलॉक किया जाता है, जो लॉकिंग होती है उसको खोलना होता है। उसके बाद इसको आप जैसे बैंक कीजिएगा वैसे ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारे ये जो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे आगे की तरफ कर करके, तो इस तरीके से ये पूरा ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही था। तो और इसके बाद इस पे जैसे हमारा जो ये हमारा मास्टर जो है टी नट है, आप इसमें बोल्ट लगाकर इस पे जोज कस कर अपना काम कर लीजिएगा। अगर इसकी डिजाइनिंग की वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको मैं ज़रूर इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ये कैसे डिजाइन हुआ है एनएक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसमें भी कोई आपको सजेशन हो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।